असलम दोस्तों मैं आपका अपना शर्जील सिंधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शर्जील एम डी एस दोस्तों इस वीडियो में हम 20 जनवरी 2023 को सीबा की जानब से दिए गए टेस्ट का मैथमेटिक्स पोर्शन सोल्व करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल शर्जील एम डी एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर फोर्टी वन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन लॉग बेस थ्री हंड्रेड एट माइनस थ्री पावर एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू चार बचे तो ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर वन पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो लाग एट बेस ऑफ थ्री हंड्रेड एट माइनस थ्री एक्स की जगह पर रखेंगे टू थ्री स्क्वायर बनने बनेगा नो तो हंड्रेड एट माइनस नाइन इज टू नाइन्टी नाइन अब ये किसी फार्मूला से भी सॉल्व करें चार नहीं आ रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड एक्स इज टू थ्री पु कर देखें लॉग एट दस सो हंड्रेड एट माइनस थ्री पावर थ्री टू थ्री टू थ्री ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एट माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू एटी वन अब हमारे पास फार्मूला लॉग बेस एट द रेट ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग बी अपन लॉग एटी वन के फैक्टर्स लिए तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम उसको लिखेंगे थ्री पावर फोर में लॉग एटी वन एट द बेस ऑफ थ्री बन जाएगा लाग एटी वन अपन लॉग थ्री एटी वन को हमने फॉर्म में लिखा थ्री पावर फोर हमारे पास फार्मूला है लाग एम पावर एन इज इक्वल टू तो एन लाग एम फोर हमारा को बन जाएगा लाग थ्री लाग थ्री आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बाकी बचेगा चार जो कि हमारा सही जवाब है जो ऑप्शन बी है थ्री वही हमारा ऑप्शन सही है एक्स की वैल्यू थ्री सवाल नंबर फोर्टी सेकेंड में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ टू पावर ट्वेंटी डिवाइड बाई टू पावर फोर इज अंडर रूट में ये वैल्यू गिवन है हमारे पास डिवीजन का रूल है कि अगर हमारे पास डिवीजन में बेसिस सेम होते हैं तो हम पहली पावर में से दूसरी पावर को सब्ट करते हैं पहली पावर ट्वेंटी माइनस दूसरी पावर तो टू पावर सिक्सटीन टू पावर सिक्सटीन को हम ये स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो एट को मल्टीप्लाई कर देंगे वन पॉइंट टू के साथ क्योंकि स्क्वायर रूट बराबर होता है पावर वन पॉइंट टू तो यहाँ से हमें बचेगा टू पावर एट टू को आपस में एट टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो है टू फिफ्टी सिक्स जो है ऑप्शन ए सवाल नंबर फोर्टी थ्री में करें वैल्यू ऑफ एक्स बताएं क्या होगी लॉग सिक्स पावर एक्स प्लस टू पावर सिक्स इज एक टू टू इस पूरी ट्रम का जवाब टू बने तो हम यहाँ इसकी वैल्यू क्या पुट करें अगेन ऑप्शन को इस्तेमाल कर दो सबसे पहले एक्स की वैल्यू वन पुट करें तो सिक्स पावर एक्स की जगह हमने वन पुट किया प्लस टू पावर सिक्स सिक्स पावर वन इज एक टू पावर सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर और छः कितने होंगे सत्तर लाख सत्तर अच्छा यहाँ कोई बेस नहीं है कोई बेस नहीं होती और हमें पता है कि कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो दस होता है तो अगेन इसको हमने फार्मूला में पुट किया कोई इससे हमें हेल्प नहीं मिली आंसर नहीं बना दो अगेन फार्मू ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सेकेंड इस्तेमाल करें एक्स इक्वल टू टू पुट करें सिक्स स्क्वायर बन जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और चौंसठ कितने होंगे हंड्रेड हंड्रेड और यहाँ पर हमने बेस डिटेन फार्मूला अगेन जो हमने प्रॉब्लम नंबर वन में अगेन जो हमने प्रॉब्लम नंबर वन में यूज़ किया था फार्मूला वही यूज करें टेन हंड्रेड को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंट में लिखा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर अपॉन लॉग टेन हमारे पास जो फार्मूला था लॉग एम पावर एन तो यहाँ पर जो आपका कोफिशेंट बनेगा वो यही एक्सपोनेंट होगा तो टू लॉग टेन अपॉन लॉग टेन लॉग टेन लॉग टेन कैंसिल हो गए हमारे पास आप जवाब आया दो जो कि रिक्वायर्ड आंसर था सवाल नंबर फोर्टी फोर में क्या है कि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं जिनकी लेंथ ये है एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव तो बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी बाई यूजिंग पेथागोरऑफ थ्योरम हम पेथागोस थ्योरम की मदद से एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारे पास यहाँ जो वैल्यू हाइपोटेनस की है वो क्या है एक्स प्लस फाइव बाकी बेस और परपेंडिकुलर की ये वैल्यूज हैं इन सब का हम स्क्वायर निकालेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूला से और एक्स माइनस थ्री का ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्स प्लस फाइव स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स प्लस के टू एक्स बनेगा माइनस फोर एक्स नाइन एन वन टेन यहाँ से ये फ्रॉम सारी प्लस की वहाँ जाकर माइनस की हो जाएगी तो इनके पीछे आगे सब एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो गया जो कि टू एक्स स्क्वायर के पीछे हमने लगाया यहाँ ये प्लस की टेन एक्स यहाँ आकर माइनस की टेन एक्स हो गई ये प्लस की ट्वेंटी फाइव माइनस के ट्वेंटी फाइव सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है एक्सक्र माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फाइव जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे इस तरीके से ब्रेक करें जो ये कोफिशन और ये माइनस फिफ्टी मल्टीप्लाई करें तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद भी वो जो दो हमारे पास बनेंगे फैक्टर्स वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर बने तो वन फिफ्टीन माइनस माइनस फिफ्टीन वन से माइनस फिफ्टीन इस माइनस फोर्टीन को हमने ब्रेक किया माइनस फिफ्टीन और एक्स में तो माइनस फिफ्टीन वन 15 तो है माइनस फिफ्टीन और दोबारा इसको सम करें तो हमारे पास जवाब आ जाए माइनस का फोर्टीन तो वही आ रहा है माइनस फोर्टीन यहाँ से हम दोनों इन टर्म्स में से आ रहा है एक्स कामन और इन दोनों टर्म्स में से कोई कामन नहीं आ रहा तो हमने वन कामन लिया तो ये बनेगा एक्स माइनस फिफ्टीन एंड एक्स प्लस वन आइर या तो हमारे पास आंसर बनेगा एक्स का एक्स माइन माइनस फिफ्टीन इक्व टू जीरो या एक्स प्लस वन एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू तो जीरो लेंगे तो एक्स माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन वहाँ जाकर प्लस के फिफ्टीन प्लस वन वहाँ जाकर माइनस के वन माइनस वन नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी जो लेंथ होती है वो माइनस में नहीं हो सकती हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है तो एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इजर और राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी है सवाल नंबर फोर्टी फाइव में कह रहा है वैल्यू ऑफ फिफ्टीन वाई इंटू थ्री सिंपल था 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे थ्री फिफ्टी था फोर्टी फाइव वाई और वाई को मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर कैसे बेस सेम पावर विल बी एडिड अगर वो मल्टीप्लाई करें तो जो सही जवाब है ऑप्शन डी ए फोर्टी फाइव वाई स्क्वायर फोटी सिक्स में पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ़ फोर पावर थ्री फैक्टोरियल अपन एट पावर फोर इज अब फैक्टोरियल का हमें पता है कि बैकवर्ड मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा वन तक तो थ्री इंटू टू इंटू वन एट को हमने फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया थ्री टू से सिक्स फोर पावर सिक्स फोर को हमने सिक्स टाइम्स ओपन किया फोर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है एट को टू टाइम्स तो जहाँ जहाँ डिवाइड हो रहा था वो हमने किया बाकी यहाँ बचा फोर एंड फोर 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 जिक्सटीन यहाँ क्या क्या बच्चे टू टू ज फोर टू फोर दट टू एट सिक्सटी तो सिक्सटीन ऊपर सिक्सटीन नीचे दोनों को हमने डिवाइड किया हमारे पास बच्चा वन क्योंकि ऑप्शन ए ही फोटी सेवन में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इंडेक्स हुई हमें रेडिकल की फाइव थर्टी टू ए पावर टेन हम इंडेक्स को पावर की सूरत में लिखें जो कि बनेगा वन पॉइंट एक्स थर्टी टू ए पावर टेन वन पॉइंट फाइव थर्टी टू को भी मिलेगा वन पॉइंट फाइव ए पावर टेन को भी मिलेगा अगेन हम थर्टी टू को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे फैक्टर्स निकाल के तो वो बनेगा टू बन पावर फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू ए पावर टेन इंटू वन पॉइंट फाइव यहाँ से फाइव कटेबल फाइव पर वन टाइम फाइव टेबल टेन के ऊपर टू टाइम यहाँ पर टू के ऊपर जस्ट वन पावर बची और यहाँ पर ए के ऊपर पावर बची टू तो टू ए स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन जो कि ऑप्शन बी है सवाल नंबर फोर्टी एट में अगर हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो इक्वेशन गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू एट कसी अगर लेट सपोज ये इक्वेशन uh, वन है और ये इक्वेशन टू है दोनों के एक्वे, दोनों इक्वेशन में से जो फर्स्ट टर्म है अगर हम उसका कोवेशन को इक्वेट करें तो यहाँ पर फोर है हमारे पास यहाँ पर टू है हम इस कोशन को टू बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन है टू 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 फोर एक्स प्लस एट अब यहाँ पर जो नई क्वेश्चन बनी वो हमारी क्वेश्चन थ्री है सॉरी यहाँ पर हमने टू लिख दिया ये क्वेश्चन थ्री है इक्वेशन थ्री को सब करें इक्वेशन टू से इक्वेशन टू में से इक्वेशन थ्री को सब करें तो फोर एक्स वाई फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एट माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एट सबकी साइंस प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा प्लस होगा तो ये माइनस फोर एक्स में से फोर एक्स गए जीरो जीरो सब कुछ जीरो तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास तो फोर्टी एट का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन सवाल नंबर फोर्टी नाइन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फाइव इंटू ट्वेंटी इंटू रेडिकल थर्टी सिक्स डिवाइड बाई फोर्टी फोर माइनस रेडिकल सिक्स इज सबसे पहले तो हमें पता है थर्टी सिक्स का रेडी होता है सिक्स डिवाइड बाई फोटी फोर माइनस सिक्सटीन का रेडी होता है फोर ट्वेंटी सिक्स है वन ट्वेंटी फोर्टी फोर में से चार गए चालीस अब पाँच को मल्टीप्लाई करेंगे वन ट्वेंटी से जो बनेगा सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई फोर्टी सिक्स हंड्रेड को फोर्टी से डिवाइड किया फिफ्टीन टाइम्स तो ये हमारा ऑप्शन सी है सही जवाब फिफ्टी में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेडिकल थ्री इंटू रेडिकल ट्वेल्व प्लस टू रेडिकल थ्री यहाँ पर क्या होगा हम इस रेडिकल टूएल्व को इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा कोई भी नंबर है तो फोर सीरीज है ट्वेल्व और फोर परफेक्ट स्क्वायर है हम यहाँ पर फोर और थ्री के रेडिकल को अलग करके लिखेंगे अब हमारे पास रेडिकल फोर किस चीज़ के बराबर होता है टू के टू रेडिकल थ्री प्लस टू रेडिकल थ्री टू रेडिकल थ्री और टू रेडिकल थ्री टू टाइम्स हैं तो ये हो जाएंगे दो और दो हो जाएंगे चार रेडिकल थ्री अब रेडीकल थ्री मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के साथ रेडिकल थ्री रेडिकल थ्री आप मल्टीप्लाई होंगे ये कितने हो जाएंगे पावर वन इसका पावर वन इसका तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर और रेडिकल टू आपस में कैंसिल बाकी बचा फोर एंड थ्री फोर थ्री से ट्वेल्व जो कि ऑप्शन बी है हमारे पास सवाल नंबर फिफ्टी वन में कह रहा है कि एक हॉकी टीम ने छः गेम्स जीती हैं और आठ हारी हैं तो बताएं रेशो क्या होगा गेमों का जो उन्होंने जीती हैं टोटल नंबर ऑफ गेम्स के मुकाबले अब टोटल जीती कितनी है छे हारी कितनी आठ तो टोटल खेली कितनी है सिक्स एट कितनी होगी फोर्टीन गेम्स तो उन्होंने फोर्टीन गेम्स खेली हैं अब रेशो निकालेंगे फोर्टीन का टू द दिन के साथ जो जितनी उन्होंने गेम्स विन की हैं तो गेम्स रेशो गेम्स खेली हैं टोटल इन्होंने फोर्टी रेशो विन्स इन्होंने जीती हैं छे फोर्टीन के ऊपर टू का टेबल सेवन टाइम्स सिक्स के ऊपर टू का टेबल थ्री टाइम्स सेवन रेशो थ्री जो कि ऑप्शन सी है हमारे पास सवाल नंबर फिफ्टी टू में क्या है द रेशो ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू वन रेशो टू रेशो मईर ऑफ मिडिल एंगल ये जो बात कर रहा है वो ट्राइंगल के एंगल्स uh, की बात कर रहा है ट्राइंगल हमें पता है कि ट्राइंगल की जो इंटरनल एंगल्स होती है उनका हम सम जब भी निकालेंगे वो हमेशा वन एटी डिग्री के बराबर होता है तो सम ऑफ समोज निकाले इन रेशोज का वन प्लस टू थ्री थ्री एंड थ्री सिक्स अब हमें किस चीज़ को देखना है जो मिडिल टर्म है उस पर देखना है कि ये जो रेशो टू मिला हुआ है ये टोटल कितनी एंगल बना रहा है तो हमारे पास फार्मूला है जितनी जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ टोटल वैल्यू क्या है वन एटी मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो यहाँ पर मिडिल जो हमारे पास एंगल uh, है उसका रेशियो क्या है टू डिवाइड बाय सम ऑफ समय सिक्स का टेबल वन एटी के ऊपर थर्टी टाइम्स थर्टी इंटू टू सिक्सटी सवाल नंबर फिफ्टी थ्री में कह रहा है कि बीस पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जमाल उसको चालीस मिनट में लिखता है सही तीस मिनट में जायद चौबीस मिनट में अगर हम उनको साथ मिलाकर ये डॉक्यूमेंट लिखवाएं तो टोटल टाइम कितना लगेगा जमाल कर रहे हैं फोर्टी मिनट्स में तो हम लगाएंगे वन अपॉन फोर्टी प्लस सही थर्टी मिनट्स में वन अपॉन्न थर्टी प्लस ज़ायद ट्वेंटी फोर मिनट इसी को डबाना पान एक्स जो हमें वैल्यू चाहिए एक्स क्या है वो टाइम जिसमें ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो ये टाइप डॉक्यूमेंट टाइप कर लेंगे तो फोर्टी थर्टी और ट्वेंटी फोर का हमने एल सी के लिए जो बनी एक सौ बीस एक सौ बीस के ऊपर फोर्टी का टेबल थ्री टाइम थ्री वन द्री प्लस थर्टी का टेबल वन ट्वेंटी के ऊपर फोर टाइम फोर वन दैर प्लस ट्वेंटी फोर का टेबल वन ट्वेंटी के ऊपर फाइव टाइम्स फाइव वन दाइव इन दोनों इन तीनों को एड कर दिया हमने थ्री और फोर सेवन सेवन और फाइव अपन वन ट्वेंटी टू वन इनको हमने रिवर्स कर दिया 120 ऊपर 12 नीचे इक्वल्स टू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है 12 का टेबल uh, 120 के ऊपर 10 टाइम्स तो 10 मिनट में ये तीनों बंदे अगर साथ काम करेंगे तो ये 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिख लेंगे सवाल नंबर फिफ्टी फोर में कह रहा है द ऑफ फील्ड इज फोर हंड्रेड फीट उसकी जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की वो डबल है विथ के एंड बीस से ज़्यादा मतलब टू डब्ल्यू प्लस ट्वेंटी तो अब बताएं उनकी डायमेंशन क्या होगी तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वहां देखें, width है वहाँ देखें विथ्थ विथ है हमारे पास सिक्सटी और लेंथ है फोर्टी अब यहाँ पर क्या कहा था उसने कि जो लेंथ है वो विथ का डबल है और उसमें ट्वेंटी मोर तो देखिए सिक्सटी विथ है सिक्सटी का डबल करेंगे तो वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी मोर तो हो जाएगा वन फोर्टी जो कि आप हमारा सही ऑप्शन है सवाल नंबर फिफ्टी फाइव में कह रहा है कि फोर्टीन किलो टर्निप्स फोर्टी के जी टर्प्स हमें मिल रहे हैं फोर फोर वन के चार सौ इकतालीस रुपये के बताएं कि बाईस किलो टर्निप्स शलजम कितने के मिलेंगे सिंधी में हम उसको गगुड़ कहते हैं तो बाईस किलो टर्निप्स हमें कितने के मिलेंगे जाहिर बात है चौदह किलो हमें मिल रहे है चार सौ इकतालीस रुपये में तो हम अगर मास बढ़ा रहे हैं ज़्यादा के जी लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा बनेगी तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो हम एरोज का दोनों एरोज का मुंह एक तरफ कर देंगे हमने डाउनलोड कर दिया अब टेल से वैल्यूज देना शुरू कर दें फोरटीन रेशो ट्वेंटी टू इज इक्वल टू फोर फॉर वन रेशो एक्स एक्सट्रीम्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और हमने एक्सट्रीम्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और मीन्स को आपस में तो मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू का पहाड़ा नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू के ऊपर सिक्स नाइन्टी थ्री टाइम्स तो जो तो सही जवाब है वो है डी सिक्स नाइन्टी थ्री रुपीज सवाल नंबर फिफ्टी सिक्स में कह रहा के A है कि ए एंड बी टूगेदर है दो सौ दस रुपए दोनों के पास साथ हैं अब फिर ये कह रहा है कि ए के जो फोर फिफ्टीन है वो इक्वल टू अपॉइंट फाइव ऑफ बीज अमाउंट तो बी का अमाउंट बताए कितना है देखें ए के पास कुछ पैसे ज्यादा हैं बी के पास कुछ पैसे कम हैं तो जो बी का ए का फोर फिफ्टीन हिस्सा है वो बी के पूरे हिस्से के साथ आ, मिलाएंगे तो दोनों का अमाउंट सेम होगा तो इस हिसाब में क्या करेंगे सिंपली ट्वेल्व हंड्रेड टेन का टू अपॉन फाइव बी का जो है निकालेंगे तो हमें बी का अमाउंट पता चल जाएगा जस्ट ट्वेल्ल फॉर वी ट्वेल्व हंड्रेड टेन इंटू टू अपॉन फाइव फाइव का टेबल बारह सौ दस के ऊपर टू फोर्टी टू टाइम्स टू फोर्टी टू इंटू टू फोर एटी फोर सवाल नंबर फिफ्टी सेवन में क्या है कि समी कंसटिव इंटीजियर की सेवनटी टू इन तीन में से जो स्मालेस्ट है उस वो बताएं कौन सा होगा सिंपल है जहाँ जो क्वांटिटी दी हुई है कितने कॉजक्टिव नंबर्स की है थ्री की जो टोटल आपके पास वैल्यू है उस वैल्यू को थ्री से डिवाइड करें आपके पास आने का ट्वेंटी फोर अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं तीन ये हमारे पास आई सेंट्रल वैल्यू एक इसमें जो हमारा पहले वाला नंबर होगा एक इसके बाद वाला नंबर तो चौबीस से पहले वाला नंबर तेईस चौबीस के बाद वाला पच्चीस तेईस और चौबीस होंगे हमारे पास फोर्टी सेवन फोटी सेवन और फिफ्ट ट्वेंटी फाइव सेवेंटी टू तो इन तीनों में से जो सामालस्ट है वो ट्वेंटी थ्री जो कि ऑप्शन ए है सवाल नंबर फिफ्टी एट में कह रहा है कि वन पॉइंट टू ऑफ मार्बल्स किसी जार में मार्बल्स पड़ी हैं वन पॉइंट टू उसका रेड है ठीक है मतलब आधा पे आधा वो रेड है बकाया में से वन पॉइंट फोर जो है वो वाइट है और वन पॉइंट फाइव ब्लू है वन अपॉइंट टू क्या है रेड वन पॉइंट फोर वाइट वन पॉइंट फाइव ब्लू बकाया जो बच गया उसका हमें फ्रैक्शन बताएं सबसे पहले जो तीन हमारे पास वैल्यूज गिवन है हैं रेड वाइट एंड ब्लू इनका हम इनको ऐड करेंगे वन पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट फोर प्लस वन पॉइंट फाइव एल सी एम निकाली ट्वेंटी ट्वेंटी टेन टाइम टेन वन द टेन फोर का टेबल फाइव टाइम्स फाइव वन दाइव फोर फाइव का टेबल फोर टाइम फोर वन जै फोर इनको ऐड किया तो नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी अब ये किस चीज़ का फ्रिक्शन है इन तीनों कलर्ड मार्बल्स का जो हमारे पास दूसरी बकाए हैं उनको कैसे करेंगे हमारे पास लेट सपोज जो टोटल तो नंबर है मार्बल से वो है वन तो टोटल माइनस कलर इक्वल टू तो अदर कलर टोटल वन माइनस कलर्ड कलर का फ्रिक्शन कैसे हो नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस यहाँ पर एक वन नाइनटीन से नाइनटी नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी बीस में से उन्नीस एक बजा अपॉन बीस वन अपॉइंट ट्वेंटी जो कि ऑप्शन बी है हमारे पास सवाल नंबर फिफ्टी नाइन में कह रहा है कि एक दुकानदार रेडियस ख़रीद कर रहा है अस्सी रुपये के हिसाब से अब ये जो भी चीज़ सेल करता है वो मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर लिखी होती है उसका बीस परसेंट डिस्काउंट करने के बाद सेल करता है सवाल पूछ रहा है कि कितनी कीमत वो लिखे कि उस बीस परसेंट डिस्काउंट करे फिर भी उसे बीस परसेंट फ़ायदा बचे उस कॉस्ट का कॉस्ट का तो अगर एक सौ बीस रुपये वो कीमत लिखेगा तो डिस्काउंट के बाद भी उसके उसे इस प्रोडक्ट का बीस परसेंट मिलेगा कैसे देखिए अगर एक का वो बीस परसेंट डिस्काउंट करेगा वो बनेगा चौबीस रुपये एक सौ बीस माइनस चौबीस छियानवे रुपये मतलब नाइन्टी सिक्स रुपीज़ में वो ये प्रोडक्ट सेल करेगा अब उसने ली कितनी थी अस्सी सेल कितने की है नाइन्टी सिक्स की अब उसे फ़ायदा कितना हुआ सिक्सटी रुपीज़ सवाल नंबर सिक्सटी में कह रहा है लास्ट सवाल में कह रहा है एवरेज स्पीड किसी गाड़ी की है पच्चीस मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर सेकंड में सॉरी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें जब कोई वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं थाउजेंड के साथ और डिवाइड करते हैं थ्री हंड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के साथ क्योंकि एक किलोमीटर में हज़ार मीटर और एक घंटे में तीन हज़ार छः सौ सेकेंड यहाँ पर उल्टा है मीटर पर सेकेंड में से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए एक हज़ार से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे तीन हज़ार छः सौ से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे दो जीरो दो जीरो के साथ गए बाकी ऊपर बच्चे पच्चीस इंटू थर्टी सिक्स इनका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जवाब आएगा वो आगे नौ सौ यहाँ पर दस बचे नौ सौ का एक जीरो एक जीरो गया बाकी बचे नब्बे तो जो स्पीड मीटर पर सेकंड पच्चीस थी वो किलोमीटर पर आवर में क्या बनेगी नब्बे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको लगता है किसी स्टेप में मैंने गलती कर दी है या कोई फार्मूला ऐसा लगा दिया जो है ही नहीं तो बरए मेहरबानी कमेंट्स में मुझे जरूर इतना फरमाएं शुक्रिया